भाई बाबा श्याम जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से आते हैं। आइए देखिए इनका हर्ष और उल्लास। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चुलगाना धाम और ये मेन गेट है। यहाँ से एंट्री होती है, एक गेट दूसरा भी है लेकिन ज़्यादातर एंट्री यहीं पे होती है। और इस साइड पार्किंग है और यहाँ से सामने से आप प्रसाद ले सकते हैं। और शनिवार को नहीं, संडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। लोगों की छुट्टियाँ भी रहती है तो लोग आते हैं दर्शन करने बाबा के। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो पहले प्रसाद ले लेते हैं और प्रसाद में देखते हैं क्या लेना है जी। ये ले ले, ये किस चीज़ का प्रसाद है? थोड़े पचास पचास वाले दो ले। तो दोस्तों ये है लंगर हॉल सामने। ये लंगर होता है यहाँ पे हर संडे को होता है लगभग। भक्त आते हैं जिनकी मनोकामनाएं बाबा श्याम जी पूरी कर देते हैं, वो आके यहाँ पे लंगर देते हैं। ये बाबा जी श्याम जी का लंगर चल रहा है, किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण हुई थी, उन्होंने लंगर चला रखा है कढ़ी चावल और पूरी का। जय श्री राम। ये पार्क बना रखा है जी, यहाँ पे जब भक्त प्रसाद चढ़ा के आ जाते हैं थक जाते हैं क्योंकि लाइन में लगना पड़ता है दो दो तीन तीन घंटे। और विशेष मौक़ों पर जैसे बाबा का जन्मदिन होता है उस टाइम तो लगभग 7-8 घंटे की भी लाइन लगती है। यहाँ से 4 बजे से दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और ये भक्त जो है भक्तजन प्रसाद चढ़ा के थोड़ा आराम कर रहे हैं। मंदिर का फूट रहा है यार। और आइए आपको दिखाते हैं वो पेड़ जहाँ बाबा ने तीर चला के दिखाया था श्री कृष्ण जी को कि उनके तीर के अंदर कितनी क्षमता है। और उसके पत्ते में आज भी छेद है, अभी आपको दिखाएंगे वो रहा सामने। और ये कुछ यहाँ पे चप्पल निकाल दो पहले अपनी, चप्पल निकालने के बाद आपके हाथ धोने पड़ेंगे आपको, उसका इंतजाम यहाँ पे है। इस पेड़ में अक्सर आग लगती रहती है। और सामने आपको दिखाएंगे वो पीपल का पेड़, वो ठीक सामने है, ये रहा वो पीपल का पेड़ जिसमें तीर मारा गया था, जिसमें तीर मारा था बाबा श्याम जी ने, यही वो पीपल का पेड़ है। बरबरी जी हेलो हेलो, यहाँ पे धागा बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कोई गल नहीं। ये देखिए आज भी छेद है इसके पीपल के पत्तों में। और ये काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और हम भी चलो लगते हैं।
बाबा जी के कुछ भक्त आए हैं, कहाँ से आए सर? पानीपत से। पानीपत से, हम भी पानीपत से ही है। ओके सर, थैंक यू। ये भी भाई पानीपत से। अच्छा, सारे भाई पानीपत से। ये भी ये पूरी टीम अपनी पानीपत से है। पानीपत से पूरी टीम। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। जवनी महादेव आता है, हरियाणवी पैसेंजर व्लॉग्स पे देख लो। मंदिर के प्रवेश, मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं भैया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया। ले लो वीडियो में, लो नहीं इधर को ले लो। बाबा कहाँ है? बाबा मेरे राधा कृष्ण और सांब। तो भैया हमारे दर्शन हो चुके हैं अच्छे तरीके से, और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। दर्शन करने के बाद भक्तजन यहाँ पे आके अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, क्योंकि अंदर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि और लोगों को भी दर्शन करने होते हैं। इस वजह से मंदिर से जल्दी बाहर आके और यहाँ पे बैठ के अपने दो मिनट के लिए या जितनी देर के लिए भी कोई बैठना चाहे, बैठ के भगवान से मांग सकता है जो मांगना है, और जिसको धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड फील कराना है, वो करा सकता है यहाँ पर। कहाँ जा रहे जी हम? श्याम कुंड दिखाते हैं आपको, आइए। श्याम कुंड, चलिए जी श्याम कुंड देख के आते हैं। देखते हैं प्रवेश द्वार कहाँ से है। ये रहा जी श्याम कुंड और ये है एंट्री गेट, आइए चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ का पानी लगभग सूखा हुआ है, ज़्यादा पानी नहीं है, फिर उसमें रात को फुहारे वगैरह ये सब चीज़ें चलती हुई बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देखिए एक बार नज़ारा उधर का। ये यहाँ की मार्केट है जी, जो काफ़ी अच्छी बन चुकी है अब। और ये बाबा जी ने ऐसे चीज का दान दिया था श्री कृष्ण महाराज जी को, और तभी इनको नाम दिया था श्री कृष्ण जी ने कि आप मेरे नाम से पहचाने जाएंगे कलयुग में। और जागृत देव है, जब आप आस और उम्मीद छोड़ चुके होते हैं जीवन में, तब आप इनके पास आइए, आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
अपनी मनोकामनाएं मांग के जाइए यहाँ पे, और जब आपकी पूरी हो जाए तब आप इस पीपल के पेड़ को ऐसे धागा बांध सकते हैं। बहुत पौराणिक पेड़ है ये, और हम वापस जा रहे हैं अपनी चप्पल देखने वहाँ पे है कि नहीं। ये सामने धर्मशाला है, लेकिन ये अति विशिष्ट अतिथियों के लिए ही है, और यहाँ की जो कार्यकारिणी है उनके लिए है। बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, जो धाम से बाहर बन रही है, जो दूर से आने वाले तीर्थयात्री है वो उनके लिए अभी बनने लग रही है। वैसे तो यहाँ से समालखा भी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे कई सारे होटल हैं स्टे करने के लिए और धर्मशालाएँ भी हैं, लेकिन अभी चुलकाना गांव में जो धर्मशालाएँ हैं वे बनने लग रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, साल एक डेढ़ साल के अंदर वो बन जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो ये अतिथि ग्रह दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये सिर्फ जो है अति विशिष्ट अतिथियों के लिए है। और अंदर पार्क परिसर बनाया गया है अच्छा खासा। तो दोस्तों हमारे दर्शन अच्छी तरह हो चुके हैं, तो भीड़ काफ़ी थी, संडे करके कुछ नहीं, ज़्यादातर हमेशा भीड़ रहती है, पर संडे करके कुछ ज़्यादा भीड़ थी, तो लगभग हमें आधे से पौना घंटा लगा है हमें भीड़ में दर्शन करने के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, पता नहीं जी, देख लो इधर के। चले भाई चलो। और रवि भाई, हमारे बाबा जी के दर्शन हो चुके हैं, और हम केवल एक घंटे में पानीपत से यहाँ पे आ गए ना, ज़्यादा 35 मिनट लगी अपने को पानीपत से। 35 मिनट भाई, ये हैवी ड्राइवर है भाई, ये बहुत 80 की स्पीड पे चलाता है, 80-90 बस, ज़्यादा नहीं। और हम पहले जैसे आए थे, हम तो भाई 2 घंटे में आए थे आराम से, लेकिन अब की बात 35, मुझे पता भी नहीं लगा मैं कब बैठा बाइक पर कब उतर गया। चलो कोई नहीं, अब लगाऊँ 2 घंटे लगाऊँ पूरे, अब आराम से चलेंगे, थोड़ा आराम करेंगे यहाँ पे, और भंडारे चल रहे हैं। ए भाई, बरसात दे जाओ। आई होप कि दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, भीड़ तो पर ज्यादा थी, दर्शन अच्छे से हो गए, जितनी भीड़ थी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और यहाँ की जो कार्यकारिणी है, जो यहाँ के प्रबंधक है, उनका काम तारीफ लायक है, अच्छा काम उन्होंने कर रखा है, अच्छी व्यवस्था बना रखी है यहाँ की। भाई बाबा श्याम जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से आते हैं। आइए देखिए इनका हर्ष और उल्लास, किस तरीके से बाबा का शुक्रिया अदा करने आए हैं, ग्रेटिट्यूड फील कराने आए हैं। और आभार की शक्ति आप समझ नहीं सकते कितनी पावरफुल होती है। भीड़ हो